दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ ग्वालियर में भारत के संगीत सम्राट तानसेन और उनके गुरु हजरत मोहम्मद गौस ग्वालियरी के मकबरे पे। दोस्तों तानसेन एक ब्राह्मण फैमिली से थे और इनके माँ बाप कोई औलाद ना होने की वजह से काफी निराश रहा करते थे। तभी उन्हें किसी ने बताया कि ग्वालियर के किले में मोहम्मद गौस बाबा रहते हैं, आप उनसे जाकर दुआ कराएं। फिर तानसेन के माँ बाप ग्वालियर आए और आपकी दुआ से तानसेन पैदा हुए। इस वजह से तानसेन की पूरी फैमिली मोहम्मद गौस बाबा से बहुत प्यार करती थी। दोस्तों तानसेन की ये तमन्ना थी कि जब भी मैं दुनिया से जाऊं तो मुझे मेरे गुरु के कदमों में ही दफनाया जाए और मेरे मकबरे को उनसे छोटा रखा जाए। इस वजह से तानसेन ने जब अपना आखिरी सांस आगरा में लिया तो उन्हें आगरा से ग्वालियर लाया गया और उनके कहने के मुताबिक उनके मकबरे को बाबा गौस के मकबरे से छोटा रखा गया। दोस्तों आज 400 साल बाद भी ये मकबरा एक मुर्शिद और मुरीद की मोहब्बत को याद दिलाता है।